कंस, जिसका निर्माण तो सुरक्षा के लिए किया गया था, पर यह आज एक तबाही का कारण बन चुका है। सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ इसका यूज गुनाह करने के लिए भी होता आ रहा है। पर इस दुनिया में कुछ बंदूक ऐसी भी मौजूद है जिन्होंने बंदूकों की आम धारणा को छेदते हुए अपने अलग रूप व इस्तेमाल से दुनिया को चौंका दिया है। आज इस लेख के द्वारा हम जानेंगे कि दुनिया के साथ सबसे अजीबों और खतरनाक बंदूकों के बारे में। नंबर वन है रेमिंगटन 1859 रिवॉल्वर। हॉलैंड में रहने वाले रिजर्स वाइजेस व्यक्ति ने रेमिंगटन 1859 इस रिवॉल्वर के बनाए हुए पहले वर्जन को इस दुनिया के सबसे बड़े रिवॉल्वर का गिनीज बुक के रिकॉर्ड का खिताब दिया है। यह रिवॉल्वर को उठाकर चलाने में शायद हल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका वजन है 45 किलोग्राम। 1.25 मीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर ऊंची यह रिवॉल्वर हाथों से उठाकर तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। इसे इसके लिए बनाए खास स्टैंड पर रखकर चलाना पड़ता है। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां समा सकती है जिसमें से हर एक गोली का वजन 136 ग्राम से भी ज्यादा होता है। नंबर दो, रिंग शेप्ड गन। आजकल की हिंसक बनी दुनिया में हर किसी व्यक्ति की सुरक्षा महसूस हो रही है। लूट, बलात्कार, जबरन चोरी से बचने के लिए हमें खुद को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। रिंग शेप्ड गन एक ऐसी ही छोटी बंदूक है जो आप हर समय अपने पास रख सकते हैं। पुराने जमाने में इंग्लैंड में बनी यह बंदूक किसी भी बड़े गन जितनी ही घातक होती है। हालांकि इसकी गोलियां छोटी होती है पर यह इंसानी शरीर पर यह बड़ा अंजाम दे सकती है। खास महिलाओं के लिए बनी यह बंदूक उन्हें कठिन समय में खुद की सुरक्षा करने का मौका देती है। नंबर तीन है गेटलिंग गन। गेटलिंग गन को बनाने के लिए इसके निर्माताओं ने 6 रशियन एसकेएस राइफल का इस्तेमाल किया है। बड़ी मात्रा में मौजूद शत्रुओं का खात्मा करने के लिए इस बंदूक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह राइफल को एक साथ जोड़ देने की वजह से एक ही बार में 6 गोलियों की बौछार शत्रुओं पर की जा सकती है, जिसकी वजह से आपके इलाके में बढ़ रहे शत्रु को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए इससे बेहतरीन गन शायद ही कहीं मिलेगी। नंबर चार है डक फुट। यह अलग नाम लेकर चलने वाली बंदूक। यह नाम डक यानी बतख के पैरों जैसा दिखने वाली इसकी नलियों की वजह से मिला है। यह नलियाँ 4 या 3 भी हो सकती है जो एक दूसरे से एक निश्चित एंगल से मुड़ी होती है। इसके पीछे का मकसद यह है कि ये 4 लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति की ऐसी लड़ाई, अगर आपके सामने 4 दुश्मन एक निश्चित एंगल पर खड़े हो तो इसके एक फायर में आप चारों को ढेर कर सकते हैं। नंबर 5, मकपूल FMG9। आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म तो देखते ही होंगे। जेम्स बॉन्ड की फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कैसे गैजेट्स अचानक से अपना रूप बदल देते हैं। कुछ इसी तरह रूप बदलने में माहिर है मकपूल FMG9। यह मशीन गन है, इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। FMG यानी फोल्डिंग मशीन गन। जब यह फोल्ड हो जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रेडियो हो। उसका एक बटन दबाने पर ये रेडियो से मशीन गन में बदल जाती है। सरकारी एजेंसी के जब किसी टॉप सीक्रेट को अंजाम देना होता है तब इस बंदूक का मिशन के लिए यूज किया जाता है। नंबर 6, क्लॉक विथ 100 राउंड स्ट्रम। यह बंदूक किसी बच्चे का खिलौना नहीं है, यह 100 कारतूसों से भरी एक क्लॉक गन है। यह काम सीखने की एक ताकतवर की है, उससे भी ज़्यादा कई गुना खतरनाक भी है। 5 सेकंड में यह बंदूक 100 राउंड फायर कर सकती है और इस बंदूक में 2 मैगजीन भी लगे हुए होते हैं और हर एक मैगजीन में 50 से ज़्यादा गोलियाँ मौजूद होती है। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं यह मैगजीन कुछ इस तरह से घूमना शुरू करती है जैसे किसी गाड़ी का पहिया तेज गति से घूम रहा हो, और जिस पर आप ये गोलियां चला रहे हो यह बंदूक उसे सोचने तक कभी वक्त नहीं देती है। और नंबर 7 है पेंटागन। 19वीं व 20वीं सदी में यूज की जाने वाली यह लिस्ट की सबसे बड़ी गन है जिसका नाम है पेंटागन। इसके वजन व साइज की वजह से कोई भी यह गन नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए कम से कम 2 इंसान तो लगते ही है। यह बंदूक आमतौर पर एक छोटी नाव में लगाई जाती थी। इसके निर्माण के पीछे का कारण काफी दिलचस्प है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अमेरिका में बतखों का व्यावसायिक तौर पर शिकार किया जाता था और पैसे कमाए जाते थे। यह बंदूक उन बतखों का शिकार करने के लिए बनाई गई थी जिससे गन के एक शॉट से ज़्यादा बतखों को मार दिया जाए उसके हिसाब से ही शिकार फायर करते थे। एक बार एक अमेरिकी ने एक शॉट से 90 बतखों को मार गिराया था जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।